परिसर में गुरुवार को न्यू जनता ऑटो एवं ई रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन मुरादाबाद ने अवैध व देहात परमिट ऑटो रिक्शा को हटाए बिना सिटी परमिट ऑटो रिक्शाओं पर कोई भी नियम लागू होने के संबंध में एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में SDM प्रीति सिंह को सौंपा। ऑटो चालकों ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि बीते 12 वर्षों से सिटी परमिट ऑटो रिक्शा के संचालन को लेकर लगभग 6 तरह के नियम बनाए गए थे, फिर भी अवैध ऑटो दलालों के माध्यम से बेखौफ संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी पूरी जानकारी यातायात पुलिस को है। लेकिन यातायात पुलिस अवैध ऑटो संचालकों पर नाम मात्र की कार्यवाही कर रही है, जिस कारण सिटी परमिट ऑटो रिक्शा चालकों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। ऑटो चालकों का कहना है कि शहर में लगभग 4000 अवैध ऑटो चल रहे हैं, जबकि सिटी परमिट ऑटो रिक्शा की संख्या लगभग मात्र 1700 है। शहर भर में जाम लगने का मुख्य कारण भी शहर में चल रहे दूसरे जिले के बिना परमिट के ऑटो रिक्शा हैं। BAN और CAN सीरीज वाले ई रिक्शा की वैधता 5 साल की होती है, जिनकी वैधता पूरी हो चुकी है। प्रशासन के नियमानुसार इन रिक्शाओं को सड़क सुरक्षा नीति के तहत हाईवे से हटाना जरूरी हो गया है। ऑटो संचालकों का कहना है कि शासन व सभी न्यायपालिका के आदेश अनुसार ई रिक्शा हाईवे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बैलेंस बनाने को ई रिक्शा बीच रोड पर चलते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होता है, जिस कारण एम्बुलेंस एवं माननीय को रास्ता नहीं मिल पाता है और सड़कों पर लंबा जाम लग जाता है। ऑटो रिक्शा चालकों की मांग है कि प्रशासन द्वारा सिटी परमिट ऑटो रिक्शा के कोई भी नियम लागू करने से पहले शहर में चल रहे अवैध रिक्शा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाए। ज्ञापन देने वालों में शाने आलम, सूर्य जैन, गजराम, महेश कुमार, जरीन आलम आदि ऑटो चालक मौजूद रहे। जनता ऑटो एवं रिक्शा चालक ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में जिलाध्यक्ष इमाम हुसैन, ऑटो चालकों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। अवैध गाड़ियां की मांग बहुत कई महीनों से चली आ रही है, लेकिन अवैध गाड़ियों को बाहर निकालने पर प्रशासन दिलचस्पी नहीं ले रहे। अवैध गाड़ियों पर नाम मात्र कार्रवाई होती है, और अगर ऑटो चालक अपना सीज वाहन छुड़वाने के लिए जाता है सिटी परमिट ऑटो वाला, तो उसे धमकी दी जाती है कि यूनियन का बहुत साथ दे रहे हो, यूनियन तुम्हारे हम देखें कैसे चलेगी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, अवैध गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ से सिटी में, दिलारी परमिट, नैमराव परमिट, कांट परमिट, दिलारी परमिट, रामपुर नंबर, अमरोहा नंबर, हापुड़ नंबर, इन वाहनों को बाहर कैसे किया जाएगा ये बताएं प्रसाद। और जो ई रिक्शा की बात है, ई रिक्शा हाईवे से बंद होने चाहिए, इन्हीं की वजह से एम्बुलेंस और माननीय को रास्ता नहीं मिल पाता, जिससे जाम लगता है। और बजे ऑटो वाला हम सिटी ऑटो वाले होते हैं, ये ऑटो की भीड़ मुख्य बढ़ रही है, यानी मुख्य जाम का कारण ऑटो वाले हैं। अरे आप लोग लगातार ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा हो, शहर में जगह नहीं चलने के लिए, ऑटो वाला ई रिक्शा वाला बीच रोड पे चलता है, एक गड्ढा आता तो कट मार देता है, वो गरीब है, और सिटी परमिट ऑटो वाला कोई लेन से लगा ले चालान कटवा ले। तो क्या चाहते हैं आप? वालों का उत्पीड़न बढ़ाता जा रहा है, केवल 1700 परमिट हैं, जो इस टाइम लगभग 6000 ऑटो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं दलालों के माध्यम से। प्रशासन को सब मालूम है, यातायात पुलिस को सब जानकारी है, यातायात पुलिस की मिली। हम बहुत परेशान हैं।